जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका प्रियंका कुकिंग एंड ब्लॉग में। मैं आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लेके आती रहती हूँ और नई नई कुकिंग लेके आती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग और कुकिंग पसंद आते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आज जो मैं लेके आई हूँ वो है एक दुर्दुरिया की कहानी। मतलब हम लोग उत्तर भारत में दुर्दुरिया की बहुत पूजा की जाती है। जब भी कोई शुभ काम करना होता है, जैसे शादी ब्याह मुंडन, तो हम लोग दुर्दुरिया कराते हैं। शादी से पहले दुर्दुरिया कराना ज़रूरी होता है। बोलते हैं कि जो दुर्दुरिया का प्रसाद खाता है उसको दुर्दुरिया, मतलब उसकी शादी के टाइम पर कराना ज़रूरी होता है, तो फिर कराते हैं। तो उसमें कथा कही जाती है दुर्दुरिया खाने के बाद। उसमें क्या होता, सात सुहागने या 14 सुहागने होती हैं। अगर एकेरी कराते हैं तो 7 सुहागने, और अगर दोहरी कराते हैं तो 14 सुहागने जैसे होती हैं, आती हैं दुर्दुरिया खाने के लिए। तो जो उसमें उसके बाद में जैसे सवा पाव हो या सवा किलो हो या सवा मन हो, मतलब ऐसे जितना आपके पास शक्ति हो हिसाब से मिठाई है और लैया है, चना है, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो अभी हम उसकी कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, तो जो दुर्गिया में कथा सुनाई जाती है तो चलिए सुनाते हैं। मतलब एक देवरानी जेठानी होती है, उनके क्या होता है कि बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। वो बहुत परेशान होती हैं कि मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं। पर एक बार कहीं वो जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में बहुत सारी औरतें होती हैं, वो वहाँ से निकलते हुए दिखती हैं किसी घर से। तो उनसे पूछती हैं कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे दुर्दुरिया के लिए इकट्ठा हुए थे। बोलते हैं कि जो भी आप अंदर मुरादे रखते हो, मतलब जो भी मानना चाहते हो, अगर वो मांगते हो तो वहाँ पर दुर्दुरिया माता पूजा पूरा करती हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, चलो हम अभी दुर्दुरिया के लिए मान लेते हैं। और वो लोग उसी टाइम मान लेते हैं कि अवसान माता, अगर हमारे बच्चा हो जाएगा तो फिर हम जो है क्या कहते हैं आपकी पूजा कराएंगे और औरतों को बुला के खिलाएंगे। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़े दिन बाद बीतता है तो उन दोनों के एक एक बेटा होता है। तो जो देवरानी होती है वो जेठानी से बोलती है कि चलो दीदी, हम लोग अब पूजा करा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने माना था तो हम लोग को संतानें हो गई हैं। फिर वो बोलती है कि जो उसकी जेठानी होती है कि अभी तो बच्चा हुआ, अभी हम लोग कितना परेशान है सब लोग, तो अभी जब उसका मुंडन होगा जब हम अवसान माता की दुर्दुरिया करा देंगे। तो फिर देवरानी बोलती है कि ठीक है। तब धीरे धीरे 5 साल बीतता है और बच्चे का मुंडन, मतलब दोनों बच्चों का मुंडन होने को होता है। तो सब लोग सारे रिश्तेदार आते हैं। तो देवरानी जो होती है वो बोलती है कि दीदी, हम लोगों ने दुर्दुरिया माता माना था तो चलो हम लोग दुर्दुरिया करा देते हैं अवसान माता की, जैसे कि अवसान माता ने हमारी मुराद पूरी की है। तो फिर वो बोलती है कि अभी तो हम लोगों ने मुंडन किया है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे, इसमें सब में इतना पैसा खर्च हो गया है, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अवसान माता की दुर्दुरिया कर सके। अगर तुम्हारे पास है तो तुम कर लेना। तो फिर देवरानी जो होती है वो अवसान माता की दुर्दुरिया जो है वो करवा लेती है, लेकिन जेठानी जो होती है वो नहीं कराती हैं। बोलते हैं कि जब लड़के की शादी करेंगे तब फिर अवसान माता की दुर्दुरिया करेंगे। धीरे धीरे जो है समय बीतने लगता है, लड़का जो है वरिष्ठ हो जाता है, मतलब शादी के लायक हो जाता है। पहले के जमाने में थोड़ा कम उम्र में बच्चों की शादी होती थी तो जल्दी शादी आने लगती है। तो जो जेठानी होती है वो अपने लड़के की शादी तय कर लेती है, लेकिन अवसान माता की दुर्दुरिया को भूल जाती है, नहीं कराती है। उधर देवरानी के बच्चे की मतलब शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि उनने अवसान माता की दुर्दुरिया जो मानता मांगी थी वो पूरी की। फिर इधर क्या होता है कि इनकी जब शादी होने वाली होती है तो रास्ते में ही जब शादी के लिए वो वहाँ जाते हैं, जैसे ही वो एक भांवर पड़ती है वैसे ही वहाँ पे अवसान माता की खूब आंधी आती है और वो जो लड़का है वो गायब हो जाता है। तो फिर सब लोग सोचते हैं कि अब लड़का कहाँ गया, फिर इसके बाद में शादी नहीं हो पाती। इधर सब बिल्कुल रोने लगते हैं कि हाँ, हमारा लड़का कहाँ गया, हमारा लड़का कहाँ गया। फिर धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, वो जो लड़की होती है वो बहुत दुखी हो जाती है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, बहुत परेशान होती है। लेकिन फिर उसके जो माँ बाप होते हैं सोचते हैं कि अपनी लड़की को धीरे धीरे किसी काम में लगाएंगे, कहीं बाहर भेजेंगे तो हमारी लड़की धीरे धीरे ठीक हो जाती है। होता है ना कि अगर बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप को लगता है ना कि हाँ, कहीं अगर उसको किसी काम में लगाएंगे तो उसका मन लगने लगेगा। तो इस तरह से तो उसकी माँ उसको पानी लेने के लिए कुएं में भेजने लगी। सोची कि अगर अगल बगल के जैसे लोग हैं उनके साथ जाएगी, बातें करेगी और थोड़ा काम करेगी तो उसका मन लगने लगेगा। तो जैसे ही वो कुएं में जाती पानी लाने के लिए, तो उसी में जो जिससे उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि जो अवसान माता की दुर्दुरिया वाला लड़का था, वो उसी में गिरा हुआ था। तो वो बोलता है कि हम तुमसे जो है हमारी तुम्हारी आधी शादी हुई है और हम यहाँ हैं, हमको यहाँ से निकाल लो। तो वो सोचती है कि ये कौन है, डर जाती है। 2-3 दिन बीतता है, फिर वो पानी लाने नहीं जाना चाहती। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, जब भी हम कुएं के पास जाते हैं तो ऐसे ऐसे मतलब आवाज़ आती है। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम डरो नहीं, तुम्हारे साथ चलते हैं। तो फिर उसकी माँ भी जाती है, फिर कुएं से वही आवाज़ आती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम कौन हो, भूत प्रेत हो? तो बोलता है नहीं नहीं, हम तुम्हारे दामाद हैं, हमारी इसकी आधी शादी हुई है,
है और अवसान माता की गुजरी हमारी माँ ने मांगा था तो उन्होंने उसको मतलब पूजा नहीं किया, इसलिए अवसान माता ने हमें ला के यहाँ छोड़ दिया है। तो फिर वो बोलती है कि अब जो सास होती है वो भी माँ के समान होती तो हम अवसान माता की दुर्दुरिया जरूर करेंगे और तुमको बाहर निकालेंगे। तो वहीं पे सात औरतों को बुलाती हैं और अवसान माता दुर्दुरिया करती हैं। फिर अवसान माता उनका जो जमाई होता है मतलब जो लड़का होता है उसको वापस भेज देती हैं। फिर उनकी पूरी शादी होती है और वो घर फिर इसके बाद में घर वापस आने के लिए सोचते हैं। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है उसको पता चलता है, वो जाती है अपने लड़के को लाने के लिए और बोलती है कि हम अवसान माता की दुर्दुरिया माने थे लेकिन पूरा नहीं किए, अवसान माता हमें माफ करें, गलती हो गई, हम दुर्दुरिया कराएंगे और अपने बेटे बहू को लेके आएंगे। फिर वो अवसान माता की दुर्दुरिया करती है और फिर इसके बाद में अवसान माता उसको क्षमा करती है और बहुत माफी वाफी मांगती है। फिर उनका लड़का और उनकी बहू उनके घर आ जाते हैं तो फिर सब राजपाट हो जाता है, मतलब सब लोग आराम से रहने लगते हैं। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा और जिस तरह से अवसान माता ने उनकी पूजा पूरी की उसी तरह से सबकी पूरी करें। जय अवसान माता की। धन्यवाद।